विश्व हिंदू महासंघ मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी अध्यक्ष नगर जिला उज्जैन देवेंद्र शाह लाला ने जिला आरटीओ कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्या और उनके निदान से अवगत कराते हुए बताया कि बसों के चलने की गति सीमा से अधिक रहती है, जिसमें आए दिन दुर्घटना होती रहती है। बसों में स्पीड गवर्नर भी नहीं लगाए गए हैं और जो लगाए गए हैं वह भी बंद पड़े हैं। आगे आपने बताया कि वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा आपसी प्रतिस्पर्धा में भी मुसाफिरों को जान पर बनाई है। बस की क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाया जा रहा है, जिस कारण लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। हर जगह बस रोक कर सवारियों को बिठाया जाता है, जिस कारण भी दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू महासंघ नगर जिला उज्जैन एवं मध्य प्रदेश इकाई द्वारा जो उज्जैन इंदौर फोरलेन है उस पर बेहद ही तेज गति से चलने वाली बसें, जिनकी वजह से रोज प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं और कई महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और कई निर्दोष नागरिक जो मौत के काल में चपेट में आ रहे हैं, उनका मुख्य कारण बसों का अनियंत्रित होना, उनकी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर की कमी एवं कई प्रकार की सुविधाएं उनमें जो बस में देना चाहिए और जिस प्रकार स्पीड से चलना चाहिए उस प्रकार न चलते हुए तेज गति से चल रही हैं, और जो टोल कंपनी का जो काम रहता है, जिस प्रकार डिवाइडर वगैरह टूटे हुए हैं, झाड़ियां कटाई नहीं हो रही है, जिनके कारण रोज हादसे हो रहे हैं, गायों का निकलना, मवेशी का निकलना, जिनके लोग निर्दोष तरीके से मर रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने आज इनको कुछ दिवस पूर्व ज्ञापन पत्र देकर आरटीओ साहब से मांग करी थी कि जो इन कार्रवाई आप बसों पर कार्रवाई करते हैं चालनी, उनको चालनी ना करते हुए उन लोगों का परमिट स्थायी रूप से निरस्त करें, जिनसे वो बसों की रोकथाम हो सके और कई लोग जो निर्दोष मर रहे हैं वो बच सके, जिनमें आरटीओ साहब द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें आज विश्व हिंदू महासंघ उज्जैन द्वारा समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आरटीओ कार्यालय का घिराव कर अपने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया और उनसे ये मांग की गई है कि तत्काल आप इन प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं, परमिट निरस्त हैं, साथ में आप ब्लैक लिस्टेड करें, तभी सभी चौराहों पर ब्लिंकर्स वगैरह हैं, फिर उसके बाद में कई प्रकार की जैसे आप कर सकते ब्लिंकर्स हुए, उसके बाद में आप चेक पॉइंट वगैरह लगा सकते हैं, या कोई भी पुलिस प्रशासन जिन प्रकार की जो बसें हैं अनियंत्रित होकर चल रही उन लोगों को आप रोक से, और अगर नहीं रोकने पर विश्व हिंदू महासंघ आज से 7 दिवस पूर्व या 7 दिवस बाद कलेक्टर रोड का ज्ञापन, कलेक्टर रोड का घेराव करेगा और जान मंजिल बनाकर विरोध प्रदर्शन करेगा। आपका नाम बताइए। देवेंद्र शलाला, नगर जिला अध्यक्ष, विश्व हिंदू महासंघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।